दोस्तों घर से आ रही हैं बहुत बड़ी बड़ी खबरें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे कि हम लोग ने प्रोमो में देखा था और सभी को वोट करना था कि घर में जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं उनमें से किसकी घर में एक्टिविटी सबसे कम है और उस केस में खेसारी लाल यादव को मिले सबसे ज्यादा वोट। एंड बिकॉज ऑफ दैट खेसारी लाल हो चुके हैं घर से बाहर। और ना सिर्फ खेसारी लाल घर से बाहर गए हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ मेकर्स ने ले लिया अपना बड़ा फैसला। अब सिर्फ ये डिसाइड करना है, जैसे हम सभी जानते हैं कि पिछली बार जो मायरा के साथ किया था सिद्धार्थ शुक्ला ने, हालांकि जानबूझ के नहीं हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट बिग बॉस ने उन्हें 2 हफ्तों के लिए डायरेक्ट नॉमिनेट किया था। पर इन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आसिम रियाज राइट है या रॉन्ग है, पर कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला ने जो उन्हें बार बार पुश किया है उसको बेस बनाकर सलमान खान उन पर बहुत ज्यादा ही नाराज हो गए। उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को कहा कि भाई मैंने बार बार तुम्हें कहा कि एंगर और टेम्पर दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एंगर ठीक है पर टेम्पर कहीं ना कहीं गलत है। पर कहीं ना कहीं उन्होंने आसिम रियाज को भी झाड़ा कि अचानक से तुमको हो का क्या है आसिम रियाज, कल तक तो तुम सब कुछ ठीक था, अचानक ये सब क्यों। हालांकि ये सारी चीजें बात हुई लेकिन मेकर्स ने अपना डिसीजन ले लिया है और वो डिसीजन है कि शायद जा सकते हैं सिद्धार्थ शुक्ला घर से बाहर, पर घर से बाहर निकलकर उन्हें बाहर की दुनिया में नहीं रखा जाएगा, उन्हें रखा जाएगा सीक्रेट रूम में। एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्हें सीक्रेट रूम में रखने की वजह से जो बिग बॉस है उन्होंने बढ़ा दिया है हफ्ते 5, यानी जो शो खत्म होने वाला था जनवरी में अब वो शो खत्म होने वाला है फरवरी में। तो मतलब भाई अब जो भी बिग बॉस को बहुत ज्यादा देखना चाहते थे, जो सबसे ज्यादा बड़े फैंस हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। हालांकि हिमांशी को भी यूं ही नहीं छोड़ा गया क्योंकि हिमांशी खुराना ने भी धक्का मारा सहनाज को, बिकॉज ऑफ दैट सहनाज को भी पनिशमेंट देने वाले हैं बिग बॉस, वहीं साथ साथ सिद्धार्थ शुक्ला को भी मिल गया पनिशमेंट। एंड दोस्तों ये चीजें जो है, एक चीज बुरी खबर ये है कि शायद निकल सकते हैं सिद्धार्थ शुक्ला घर से, पर वहीं अच्छी खबर ये है कि अगर उन्हें घर से निकाला जाता है तो वो जा सकते हैं सीक्रेट रूम में और वहां पर उन्हें रहना होगा पूरे 1 हफ्ते, और उसके बाद जब वो परख जाएंगे कौन है उनके साथ और कौन नहीं, फिर खेल में वो आएंगे। पर दोस्तों कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिद्धार्थ शुक्ला सब सही ट्रैक पे जाते जाते सब उल्टा पड़ जाए सीक्रेट रूम में रहकर। पर यहां पर सबको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, बिग बॉस इतना नहीं है आसान। आपको क्या लगता है, जो मेकर्स ने यह फैसला लिया है या लेने जा रहे हैं, ये सही है या गलत है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।